नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मॉस्को में रिकॉर्ड 1.5 फीट बर्फबारी, पारा -12 डिग्री पहुंचा, एक की मौत। मॉस्को रूस की राजधानी मॉस्को में रिकॉर्ड बर्फबारी और बर्फीले तूफान से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 43 सेंटीमीटर करीब 1.5 फीट बर्फ गिरी है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। करीब 234 फ्लाइट्स पर असर हुआ है। बता दें कि पिछले महीने रूस के कई इलाकों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक नीचे चला गया था। मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने रविवार को एक बयान में कहा कि मॉस्को रीजन में एक पेड़ गिर जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। उधर ताज एजेंसी ने रिपोर्ट की है कि यहां बर्फबारी और तूफान की वजह से 3,000 लोगों के एक इलाके में बिजली गुल हो गई है। मौसम और खराब होने का अनुमान। वेदर डिपार्टमेंट ने बताया कि सोमवार को और बर्फबारी हो सकती है, इस वजह से पारा और गिर सकता है। फिलहाल -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। वहीं मंगलवार को -8 डिग्री के करीब रह सकता है। उधर गवर्नर एंद्रे वोरोबी ने इस इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी है। सभी ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। 217 फ्लाइट की उड़ान में देरी, 17 रद्द। खराब मौसम की वजह से मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्लाइट्स ऑपरेशन पर असर पड़ा है। करीब 217 फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई और करीब 17 को रद्द कर दिया गया। यकुतिया रीजन में टूट गए थे थर्मामीटर। जनवरी में रूस के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई थी। उस वक्त कई इलाकों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच गया था। यकुतिया रीजन में तो पारा -67 डिग्री तक चला गया था। आमतौर पर थर्मामीटर -50 डिग्री तक का पारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यकुतिया रीजन में टेम्परेचर इससे कम होने के चलते यहां थर्मामीटर तक खराब हो गए हैं। बता दें कि 10 लाख की पॉपुलेशन वाला यकुतिया रूस के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। दोस्तों, हमारी न्यूज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।